वाले से बनिए। तो यार बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम प्ले होने वाला आज का, मतलब जबरदस्त होने वाला है। पूछेंगे क्यों भाई, एआई वर्सेस एआई का फर्स्ट मैच 2K24 का होने वाला है मेरे चैनल पे। तो भाई देखो, न्यू ब्लड लाइन का आना तो बनता है, देखो रोमन रेस, द रॉक, जिमी उसो, सोलो सिकोवा का आना बनता है, लेकिन अपोनेंट टीम में कौन होना चाहिए? अपोनेंट टीम में होना चाहिए हंटर, मतलब ब्लड लाइन को हंट करने वाले कोडी रोड्स, सेथ फ्रीकिंग रोलिंस, जेउस और रैंडी ऑर्टन। भाई गेम प्ले को स्टार्ट करते, बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला, मतलब जबरदस्त होने वाला है गेम प्ले, क्योंकि नए नए भाई पेबैक में देखने को मिले, नई नई एबिलिटीज। वो भाई साहब कैमरा एंगल में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ओ भाई साहब पहला स्पीयर इतना तगड़ा, मतलब अपने रैंडी ऑर्टन, सेथ फ्रीकिंग रोलिंस, कोडी रोड्स के पास सुपर फिनिशर है, सोलो के पास सुपर फिनिशर है, रोमन के पास भी था, रोमन दूसरा फिनिशर, भाई साहब बिल्कुल कितना फास्ट यार, मैं बात याद है फिनिशर के बारे में, चोकोडी रोड एलिमिनेट, ओ भाई साहब जबरदस्त। अब सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, आप समझो अगर 2K23 में रॉलिंस को देखा जाए और जेउसो को, तो इतना भयंकर बनाया है भाई 2K24 में रॉलिंस और जेउसो को, मतलब गजब। रॉलिंस के फिनिशर के लिए, सुपर फिनिशर के लिए, रॉलिंस किसके लिए जा रहे हैं भाई, रॉलिंस क्या करने वाले है? और भाई साहब सुपर फिनिशर, ये रॉलिंस सुपर फिनिशर लगा है भाई, रोमन का हेड एक ही फिनिशर में ऑरेंज, भाई ये आई तो बहुत ही जबरदस्त बनाया, क्या बनाया यार 2K वालों ने, मतलब यही इतना सुपर फिनिशर यूज कर रहा है भाई साहब। आते आते दो फिनिशर रोमन ने लगा दिए, कोडी को एलिमिनेट कर दिया, और शायद फ्रीकिंग रॉलिंस ने आते आते सुपर फिनिशर लगा दिया, भाई साहब क्या गजब, अलग ही हेड्स ऑफ 2K, हेड्स ऑफ 2K, मजा आ गया। जेउसो और जिमी उसो, भाई देखो जेउसो ने रोमन को स्पीयर लगा दिया, भाई साहब क्या तगड़ा मैच चल रहा है, और रोमन का ब्लड आ चुका है, रोमन की रेजिलेंस यूज हो गई, भाई क्या हो रहा मैच में, आते ही आते तबाही चालू हो गई, आते ही आते तबाही, भाई ऐसा कैसे, और इतना ज्यादा, मतलब अगर मैं इसको हाइट कर सकता हूँ, देखो मैं इसको हाइट कर सकती हूँ, ये जो सुपरस्टार ओ फिनिशर भाई साहब, इसको मैं हाइट कर दूं तो एकदम रियल लगने लगेगा, बताना मेरे को कमेंट करके कि ऐसे अच्छा लग रहा है या वो नीचे जो आता बन के भाई उसमें अच्छा लग रहा है, इसमें बिल्कुल फाइट रियल लगेगी, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भाई गेम चल रहा है, क्योंकि कुछ भी पूरी स्क्रीन ऐसे ही ऐसी, उसको बीच में कर सकते हैं, मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं मैं आप लोगों को दिखाने के लिए केवल किया है कि उसको हाइट करके अगर कैसा लगता है, रॉक कैसे लगाएंगे। अच्छा आते आते पीपल्स चॉइस, ओ हो हो भाई पीपल्स मूव, पीपल्स चॉइस, पीपल्स फेवरेट पर्सन, ओ हो भाई साहब, इसको ऑन कर देते तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कुछ देखने को मिलेगा, बताना मेरे को कमेंट करके कैसा लगता है। और जेउसो ने भाई किक आउट कर दिया है, द रॉक, रॉक के पास अब भी फिनिशर दो है, ये कटसीन वाला जो है ना जबरदस्त लग रहा है यार 2K ने, ये जबरदस्त डाला है बीच में, जो कटसीन की तरह, मतलब ऐसा लगता है कि मूवी चल रही है उसकी तरह जो दिखाता है ना बीच में कटसीन, वो जबरदस्त है, मतलब 2K ने मतलब बहुत ज्यादा बिल्कुल इतना खर्चा तो करवाया है, लेकिन पैसा वसूल करवाया भाई 2K ने। और जेउसो इतना ज्यादा खतरनाक बना दिया जेउसो को 2K23 में, जेउसो के पता सबसे खराब आया भाई फिनिशर थर्ड रोप से लगता था, लेकिन अब स्पीयर भी दे दिए, तो स्पीयर से भाई एकदम खतरनाक हो गया जेउसो, और पांच फिनिशर, मतलब शायद फ्रीकिंग रॉलिंस के भी मैंने पांच फिनिशर देखे एआई वर्सेस एआई फाइट, और जेउसो को भाई फिनिशर लग गया रॉक बॉटम, जेउसो की बॉडी येलो हो चुकी है, और जेउसो ने पिनफॉल करवा लिया, अरे भाई साहब, भाई ब्लड लाइन तो भारी पड़ती नजर आ रही है इतना, ओ रोमन के पास कोई फिनिशर नहीं है, यहाँ पे ऑटन के पास मौका है, ऑटन बेटा फिनिशर लगा दो और आरक्यू वगैरह लगाओ तभी बात बनने वाली है, क्योंकि अगर रोमन भाई फिनिशर आएगा तो रोमन तुरंत ही फिनिशर लगा देगा, रोमन रुकने वालों में से कहीं तो सभी जानते हैं, और 2K ने अच्छा बहुत जबरदस्त काम किया है, अरे यार फिनिशर लगाना था रैंडी ऑटन, ओ भाई साहब कितना दूर से स्पीयर लगा, भाई साहब क्या गजब है यार, और ऑटन के पास भाई देखो सुपर फिनिशर, अगर ऑटन सुपर फिनिशर लगा देना तो रोमन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि रोमन का हेड ऑलरेडी ऑरेंज हो चुका है, ऑटन सुपर फिनिशर लगाने का ट्राई करो, अगर ऑटन सुपर फिनिशर लगा दे तो मजा आ जाए भाई, मतलब एक और सुपर फिनिशर देखने को मिलेगा। ऑटन ड्रैग करवा रहे हो क्या भाई, ऑटन इतना भी पिटे नहीं है जो भाई तुम रिवर्स नहीं कर पा रहे, और फिर से द रॉक, रॉक के पास अब भी एक फिनिशर बचा है, तो ऑटन के लिए नुकसान वाली बात है, और रिवर्स हो गया बढ़िया ऑटन के पास सिग्नेचर, तीन फिनिशर, ऑटन कुछ तो करो मेरे भाई,
नहीं तो टीम हारने ही वाली है। न्यू ब्लड लाइन अभी तक सोलो और जिमी की तो एंट्री नहीं हुई है। ऑटन पहला फिनिशर, फाइनली ऑटन का पहला आरकीओ आता हुआ, लेकिन किक आउट कर दिया है रॉब ने। भाई बढ़िया ग्राफिक्स पे काम किया है। पंट किक के लिए जा रहे थे कि भाई क्या करने वाला ऑटन, ऑटन भाई फिनिशर के लिए ट्राई करना है, पंट किक के लिए एक और आरकीओ। ऑटन यार दोस्त, आरकीओ लग जाता तो मजा आ जाता, लेकिन रॉक रॉक भाई लगाने नहीं देगा। मैं बता, रॉक के पास कोई फिनिशर नहीं है, तो ऑटन लगा सकता है भाई। सबमिशन लगा दिया रॉक का सबमिशन, ऑटन टैप आउट नहीं करना है अभी। रेजनेबल नॉर्मली तो टैप आउट इतनी जल्दी ऑटन करने वाले नहीं है। ऑटन बाहर क्यों फेंक दिया भाई 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 भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑटन कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाएगा। और शायद फ्रीकिंग रॉलिंस, रॉलिंस को टैग दे दिया ऑटन, क्यों नहीं दिया रोमन को मारने का है ऑटन, जरूरत क्या है भाई रोमन को मारने की। ठीक है चलो कोई बात नहीं, एप्रेन पे सुप्लेक्स ठीक है, लेकिन यार कोई फायदा नहीं होगा। हाँ रोमन को मारने का आइडिया सही, क्योंकि रोमन का देखो कुछ बॉडी पार्ट डैमेज भी है। रेज यूज किया है क्या भाई, रेज नहीं था ऑटन के पास। नई नई एबिलिटीज तो नए नए पेबैक्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। और भाई रॉक ने सेट फ्रीकिंग रॉलिंस को घेर लिया भाई, फिनिशर लगाने यार रॉक सिग्नेचर के लिए जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ऑटन ने डॉच कर दिया। और बेली टू बेली ये रॉक के पास फिनिशर आ चुका है, अगर रॉक का फिनिशर लग जाता है यहाँ पे तो ऑटन टाटा बाय बाय नहीं, अभी तो नहीं बोलेंगे मेरे हिसाब से। और थर्ड रॉक पे चढ़ के रॉक कूदने वाले हैं, रॉक नहीं नीचे उतर गए रॉक। अच्छा AI कुछ ज़्यादा मतलब एग्रेसिव दिखाया है इसमें, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव AI दिखाया, क्योंकि 2K23 में इतना ज़्यादा AI जो एग्रेसिव नहीं था, तो मतलब इस साल में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और रॉक रॉक बॉटम के लिए जाएंगे मैं बोल रहा हूँ, रॉक बॉटम के लिए नहीं गए हैं कोई बात नहीं। और स्पाइन बस्टर भाई सिग्नेचर लगा दिया, मतलब रॉक बॉटम नहीं लगा तो स्पाइन बस्टर लग गया। रैंडी ऑटन किक आउट कर सकते हैं बिना रेजिलेंस के, रेजिलेंस चली गई ऑटन की भाई 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 भाई। सोलो आ चुका, सोलो के पास सुपर फिनिशर है, सोलो जा रहा फिनिशर के लिए। समुआ स्पाइक लगेगा क्या, सुपर फिनिशर तो नहीं लगा रहा सोलो। ओ भाई साहब सुपर फिनिशर लगा दिया सोलो ने, अब तो ऑटन गया भाई। अगर रॉलिंस ने नहीं बचा तो ऑटन गया। सुपर फिनिशर बहुत खतरनाक चीज़ है यार इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और रॉलिंस तो भाई पहला अपना सुपर फिनिशर लगा के पेटिगरी लगा दी रॉलिंस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक तो एलिमिनेशन करो भाई कम से कम, रॉलिंस दूसरे फिनिशर पे जा रहा था। रॉलिंस फिनिशर लगाने में तेज है इसमें, और जिमी उसे इस समय तो भाई दुश्मनी तगड़ी वाली चल भी रही है। और भाई फिनिशर लगा दिया, स्टॉम्प लगा दिया, स्टॉम्प का एनिमेशन ज़बरदस्त है इसमें। जिमी उसे को कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है। अच्छा ब्लड लाइन ही चला के क्या देखा भाई, एक एक करके सबको टैग मिल रहा है, मतलब कोई रुक नहीं रहा है कि किसी का बॉडी पार्ट ज़्यादा डैमेज हो। अगर फिनिशर और कोडी की टीम से लगे भी है ना, तो वो सबको एक एक दो दो करके लगे, मतलब किसी को ऐसा नहीं कि किसी को तीन चार लगे हो जो एलिमिनेशन हो। तो ये ब्लड लाइन ने भाई चलाकी दिखाई है। और जिमी उसो के पास देखो क्या है, क्योंकि जेव के पास तो देखो स्पीयर दिया, अब जिमी के पास भी कुछ ऐसा दिया है जो बिना टॉप रोप के अलावा लग सके तो अच्छी बात है। और जिमी उसको देखो एलिमिनेट कर सकता है, देखो रॉलिंस के पास देखो कुछ भी नहीं है, तो रॉलिंस का जीतना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि कुछ है नहीं भाई, तो क्या जीतेगा, कोई फिनिशर नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं है। और भाई उधर तो देखो पूरी सेना खड़ी है और सबके पास फिनिशर की भरमार है। ये क्या भाई, क्या मारा ये भाई, फेस पे भी किक पड़ी और सर के बिहाइंड पे भी किक पड़ी है भाई, तगड़ा तगड़ा नए नए मूव्स किए भाई। 2K में मजा आ गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2K23 तो कुछ था ही नहीं इसके आगे। भाई रॉलिंस ने रिवर्स किया, रॉलिंस मेरे भाई बढ़िया 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 ना, अच्छे अच्छे मूव AI जो अच्छे मूव्स लगा रहा भाई, मतलब 2K23 में इतना ज़्यादा एडवांस AI नहीं था, इसमें यार बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है 2K ने, मतलब हेड्स ऑफ है भाई। पैसा वसूल पूरी तरीके से पैसा वसूल है, मैं तो बोलूँगा भाई 8,000 रुपये अगर खर्चा हुआ ना तो पूरी तरह वसूल भी हुआ। रॉलिंस के पास एक फिनिशर आ चुका, रॉलिंस फिनिशर लगा सकते हो। और रॉक स्पाइन बस्टर के लिए जा रहे थे क्या, नहीं 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 नहीं, रॉलिंस का देखो बॉडी ऑरेंज हेड येल्लो हो चुका है, तो रॉलिंस के लिए जीतना तो बहुत मुश्किल, नहीं जीतेगा भाई, कोई चांस ही नहीं है।
आज की एक एलिमिनेशन रॉक का कर सकते हैं, अगर यहाँ पे स्टॉम्प लगाए तो एक या दो फिनिशर में रॉक जा सकते हैं, पर ये कि रॉलिंस को जल्दी जल्दी फिनिशर लगाने होंगे। अगर फिनिशर जल्दी लगता है तो कुछ चांसेस बन सकते हैं, और रॉलिंस के पास मूव थीप भी है और रॉक के पास अभी भाई ये फिनिशर लगा, ये नॉर्मल फिनिशर लगा और रॉक एलिमिनेट नहीं हो रहे भाई, ढीट है ब्लडलाइन की, ढीट है यार, सब लोग एलिमिनेट ही नहीं होना चाह रहे किसी सूरत में भाई, एलिमिनेट नहीं होना चाह रहे, ठीक है। और एक और फिनिशर रॉलिंस सिग्नेचर या फिनिशर, अगर या मूव थीप भी इस्तेमाल कर सकते हो रॉलिंस, टॉप रोप भी तो कुछ नहीं होने वाला, वो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो क्लोज लाइन लगाई टॉप रोप से, सोलो का हेड येलो है, अब तो सोलो भाई, सोलो के पास कोई फिनिशर नहीं क्योंकि एक सोलो सुपर फिनिशर लगा चुका। ओ बाहर, ओ भाई साहब, अच्छा मैंने 2K23 में देखा कि भाई AI जो है बाहर जंप लगा रहा हो टॉप रोप से, लेकिन इसमें भाई बढ़िया बढ़िया, मतलब मजा आने वाला है पूरे साल, इसमें जो है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और रॉक को छोड़ो भाई, सोलो को पकड़ो, रॉलिंस अकेले ही जो इतनी देर टिका हुआ, नहीं तो अब तक कोई सुपरस्टार, बाहर बैटिंग नहीं लगा दी है भाई साहब, AI तो मतलब सरप्राइज तो सरप्राइज दे रहा है AI भाई, बाहर बैटिंग तो लगाता ही नहीं था AI 23 में तो, और इसमें तो गजब ही चल रहा है भाई। रॉलिंस का देखो बॉडी लाल हो चुकी है, तो अगर सोलो के पास मीटर होता तो सोलो फिनिशर लगा देता, रॉलिंस के पास दो दो फिनिशर, रॉलिंस मेरे भाई कुछ फिनिशर विनिशर लगाओ, कुछ मजा आया फाइट में। ये नॉर्मल स्विंग ब्लेड है, इससे कुछ होने वाला है रॉलिंस मेरे भाई, फिनिशर ही लगाना पड़ेगा, अगर फाइट निकल तो निकलना तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर देख रहे हो कि जल्दी खत्म हो रही है फाइट, मतलब सोलो क्या रॉलिंस गया है काम से, और अगर थोड़ा सा भी खिंच रही है तो समझो एक आध एलिमिनेशन रॉलिंस ने कर दिया। सोलो भाई उधर की तरफ से कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, बढ़िया 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 मून स्लॉट लगा दिया भाई, सोलो की बॉडी लाल है, हेड येलो है, तो अगर रॉलिंस के पास एक सुपरस्टार अगर बचा होता जैसे ऑर्टन या कोडी में से बचा होता ना, तो चांसेस थे कि फाइट जीत सकते थे, रॉलिंस का देखो ऑलरेडी बॉडी लाल है तो जीतना तो नहीं है, एक आध एलिमिनेशन कर दे तो बात ही अलग है। सोलो मेरे भाई सोलो देखो यार, मतलब टैग पे टैग दिए रहते हैं ये लोग, और रोमन के पास एक सिग्नेचर है तो रोमन लगा देंगे सिग्नेचर, देखो सुपरमैन पंच आया और किकआउट मुश्किल ही कर दे भाई, ओ भाई साहब किकआउट कर दिया, बढ़िया 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 भाई, नेक्स्ट टू रियलिटी बनाया यार इसे, और ये यार ये स्पीयर लगी तो गया भाई, ये गया गया रॉलिंस गया भाई, भाई साहब आप फिर नॉकआउट नहीं हुआ क्या, गजब मैच चल रहा है, अलग ही सीन चल रहा है भाई मैच का, तो उसका पिनफॉल हो जाएगा। अरे भाई साहब रेजिलेंस के बिना भी किकआउट करने पड़ा, रॉलिंस कैसे करे पड़ा भाई इतनी देर तक टिकना, ओ भाई साहब अलग ही मजा दे रहा है AI तो, मतलब अलग ही प्लेजर मिल रहा है AI को फाइट देखे, ऐसा लग रहा है रियल देख रहे हो, अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो और ज़्यादा रियल लगने लगता, क्योंकि कुछ दिखता नहीं कि सुपरस्टार कब एलिमिनेट होगा कब नहीं होगा क्या फिनिशर है, मतलब सब कुछ रेंडम होने वाला। रोमन उठा रहे हैं रॉलिंस को, रोमन कूदे तो भाई रॉलिंस किसी भी समय टाटा बाय बाय बोल सकता, अब अगर पिनफॉल कराएं तो हो सकता है, और यहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं किसके पास क्या फिनिशर है, सब कुछ रेंडम होने वाला है, तो अगर फिनिशर लगता है तो पहले से पता नहीं होगा हम लोगों को कि कौन फिनिशर लगा रहा कौन नहीं लगा रहा, किसके पास क्या मीटर चल रहा है, तो मतलब देखना है कि मुझे ऐसा क्या इसमें सीन बनता है, कैसा मज़ा आता है देखने में इसको। और काफ़ी देर सुसाइड टाइम, और रोमन की सुसाइड टाइम खाली चली गई भाई साहब, यार रोमन मेरे भाई, रॉलिंस एक तो वैसे ही झूम रहा था ऊपर सुसाइड टाइम खाली चला दी, रोमन बाहर भी पीटने मिलेगा भाई, रॉलिंस मेरे भाई हार मान ले, कितना पिटेगा भाई, छोड़ दे अगली फाइट में बदला ले लेना, ना 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 छोड़ दे भाई। अरे भाई साहब रिवर्स किया, रॉलिंस भी मान नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, मतलब अलग ही लेवल का यार सुपरस्टार है रॉलिंस भाई, मुझे लग रहा काउंटडाउन से एलिमिनेट ना हो जाए क्योंकि 8 तो हो ही चुका, आ जाएगा रॉलिंस भी आ जाएगा क्योंकि अभी 9 ही होने वाला।
रॉलिंस के पास कोई फिनिशर सिग्नेचर मुझे कुछ भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है भाई, नॉर्मल मूव है तो हो सकता है क्या? फंसा के पिनफॉल देखना है कि एआई करवा पाता क्या इसमें भाई? हो रहा ओ भाई साहब, फंसा के पिनफॉल भी हो गया। ओ यार बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब मैं बोलूंगा कि 100% इम्प्रूवमेंट किया है भाई टूगे ने एआई में। गजब ही मैच था यार, पहले ही मैच में मजा आ गया। और समान था अरविंद, समांता अरविंद के अनाउंसमेंट सुनी आपने? क्या जबरदस्त भाई समांता अरविंद, भाई 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 भाई, भाई। मजा आ गया फाइट में यार। आपको भी मजा आया तो मेरे भाई लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।